पूछते हैं कि ये डिफरेंट साइज में डिफरेंट जो फ्लेवर में केक है ये कितने के हैं। सोंकल ये कराची हलवा इसको बोलते हैं। अच्छा, साइड पे भी बर्थडे के बहुत से जो है आपको जो डेकोरेशन जो चीजें यूज होती हैं, 180 का, 100 वाला, ठीक है, 60 वाला, ठीक, 120 वाला। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम मौजूद हैं हॉक्स बे रोड, यहाँ पे जो है बहुत सी डिफरेंट जो है नए रेस्टोरेंट्स और शॉप ओपन हुए हैं। उसमें से एक जो है अभी नई जो हमारी जो बेकरी जो है दोबारा से रेनोवेशन होके बिल्कुल रीन्यू हुई है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप इसे देख सकते हैं, इसका जो बाहर का व्यू आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। सो ये है गुलशनी शहरीन के नाम से है, ठीक है। सो आप गुलशन शेरीन बेकर्स में आ सकते हैं और यहाँ आके आप कुछ भी चाहे आप ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बेकरी है और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है और सब पूरा जो ए टू जेड जो भी चीज़ें हैं इनके पास वो बहुत फ्रेश हैं। इनके पास जो है समोसे हैं, रोल्स हैं, इसके अलावा बेकरी आइटम में केक्स हैं और साथ ही साथ इनके पास जो है मिठाई वगैरह भी सब अवेलेबल है। सो अब हम चलते हैं अंदर शॉप में और आपको दिखाते हैं कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है और उनके प्राइजेस क्या हैं, उनके मुतालिक भी जानने की पूरी कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम शॉप में मौजूद हैं। सो हम जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे बात करते हैं और इनके जितने भी जो रेट्स हैं वो सबके मुताबिक हम बात करने की पूरी कोशिश करते हैं कि इनके रेट्स क्या चल रहे हैं और मिठाई कौन सी ज़्यादा स्पेशल है और क्या क्या वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सो अंकल, आपकी ये शॉप जो है यहाँ कितने टाइम से है और ये मतलब आप लोग सारा जो प्रोसीजर है आपका, आप जिस तरह से आप यूज़ करते हैं, मतलब हाथ से बनाई जाती है या मशीन के ज़रिए बनाई जाती है और जितने भी आपके पास जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक आप मुझे थोड़ा सा जो है डिटेल ही बताइएगा। माशाल्लाह, मशीनों से बनाते हैं, आटा भी मशीनों से गूंद कर, गुलाजन की मशीन भी है, सब मशीनों से काम होता है। अच्छा, हाथों से नहीं करते हम। हाथों से काम नहीं होता अंकल, कोरोना चल रहा है इसलिए हम लोग नहीं करते, हाथ यूज नहीं करते, हाथ यूज़ नहीं करते, हाथों से नहीं बनाते। ठीक हो गया। सो ये अंकल आपके जितने भी यहाँ मिठाइयाँ इस वक्त रखी हुई हैं आप इसके मुताबिक मुझे बताएं कि ये क्या प्राइजेज़ हैं इनके और नाम क्या है और इसके अलावा इनके प्राइस क्या हैं। तो फ्रेंड, इस वक्त मैं शॉप के इन अंदर की साइड पे हूँ कि मैं आपको डिटेली जो है अंकल के साथ जो वन बाय वन जितने भी प्राइसेज हैं उसके हवाले से हम बात कर सकें और जो फेमस जो ज़्यादा रनिंग में जो मिठाइयाँ हैं हम उनको जान सकें कि कौन सी रनिंग में है। और अक्सर मिठाइयों के नाम हमें नहीं पता होता कि मिठाइयों के नाम क्या है, तो हम मिठाइयों के नाम को भी डिटेली पूछेंगे कि नाम क्या है मिठाइयों के। तो और अंकल से हम स्टार्ट लेते हैं। तो अंकल, आप बताएं कि जो आपकी जो फेमस मिठाइयाँ हैं वो कौन सी हैं और जो ज़्यादा चलने वाली हैं और जो लोग शौक से खाते हैं और प्राइजेज़ वगैरह। कलाकंद खाते हैं शौक से, ये वाला अखरोट का हलवा, बादशाही चमचम, खाली चमचम, ठीक, गुलाब जामुन काला वाला, गुलाब जामुन काला वाला, रसगुल्ला गोल, रसगुल्ला गोल। अच्छा, ये आप दूध पेड़ा, दूध पेड़ा। तो और ये बर्फी। जैसे जैसे आप मुझे एक एक के नाम बताते जाएं उसके साथ उसके किलो के हिसाब से जो भी है वो आप मुझे बताते जाएं कि वो कैसे दे रहे हैं आप। हम एक किलो 740 का देते हैं। कितना? एक किलो 740 का, खाली जो चमचम मांगे। ठीक है, चमचम कलाकंद मांगे तो 1000 रुपये किलो है। ठीक, बोले तो हम कम कर देते हैं 900 रुपये। ठीक हो गया। सो मतलब आप डिस्काउंट जो है वो देते हैं अपनी लाजमी करते हैं, पैकेज देते हैं, चलो पैकेजेस देते हैं। ठीक है, ज़्यादा ऑर्डर हो तो उसको भी कम कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये पेड़े आपने बताए, तो ये पेड़े और ये जो नीचे जो कटिंग, ये बर्फी है, ये पेड़े हैं। अच्छा, ये पेड़े कितने कैसे दे रहे हैं आप? पेड़े भी 740 बर्फी के बनते हैं। ठीक हो गया, ये भी बर्फी के बनते हैं। ठीक हो गया, मतलब प्राइस दोनों के सेम है। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ये डिफरेंट दूसरी मिठाइयाँ, कराची हलवा इसको बोलते हैं। अच्छा, कराची वाले। अच्छा, उर्दू में इसको कराची हलवा बोला जाता है। ये है सोन हलवा, सोन टिक्की वाला, टिक्की वाला सोन हलवा। सो ये किस हिसाब से, ये किस हिसाब से होता है देते हैं आप लोग? ये भी 700 रुपये किलो सोन हलवा, 700 रुपये किलो है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने इनके प्राइस, इसके क्या प्राइस बताया, मतलब इसमें? और रसगुल्ला 740, 740। और इसके अलावा ये चमचम, इसके उसके प्राइस सेम है? ये जरा तो खोया लगाना पड़ता, वो लगा। सादा है। तो सादा कितने का मिल जाता है वो? 740, 740 कम कर देते हैं, मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं मज़ीद और रेट्स के बारे में भी जानते हैं और मिठाइयों के नाम भी पता करते हैं। नाम है ये किसका है? बेसन का पतीसा। बेसन का पतीसा जी, बेसन से तैयार किया जाता है। ठीक। और ये है मिल्की पतीसा। ठीक, मिल्की पतीसा, ये दूध से तैयार होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या, ये क्या चीज़ है अंकल? ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल डिफरेंट।
ये उड़तिया लड्डू कहते हैं इसको, उड़तिया लड्डू कहते हैं। ठीक है, सो ये किस तरह से दे रहे हैं, ये किस तरह से दे रहे हैं? ये है 900,000 का रेट, 900,000 रुपये रेट है। में तैयार करते हैं इसे। ठीक हो गया, ये डाल्टा बनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये क्या चीज़ है? ये है बालू शाही। ठीक, बालू मक्खन बेड़ा नहीं है हमारे पास, वो भी हम बनाते हैं वैसे। ठीक, ये बालू शाही है। सही, ये है बालू शाही। बालू शाही जो मक्खन बेड़ा तो गोल होता है। ठीक, वो भी बालू शाही का समझो एक बड़ा चीज़ होता है। सही, और इसके अलावा और भी मेसू। ये रोल पतीसा। रोल पतीसा, ये दूसरा पतीसा, गुलाबी पतीसा। गुलाबी पतीसा दूध वाला, ये भी। ठीक हो गया। ये है पान पेड़े। पान पेड़े, ये भी बर्फी के बनते हैं। अच्छा, खालिस खोए का। खालिस खोए, ठीक है। और ये कुछ, ये आप, ये हफ्शी हलवा है। हफ्शी हलवा, तो इसे हफ्शी हलवा, हफ्शी हलवा, तो इसे हफ्शी हलवा का नाम क्यों दिया गया? मतलब इसका ये उर्दू का लफ्ज है। अच्छा, ये कहने का। अच्छा अच्छा, इसको वैसे तो लोग, अच्छा मतलब ये कराची में ये बोला जाता है, इसका कुछ और, कुछ और भी नाम है इसका कराची में, इंडिया में हफ्शी हलवा। हफ्शी हलवा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो दूसरी, ये कौन सा है? आई थिंक लड्डू। ये रोल, रोल के बर्फी के रोल बनते हैं। अच्छा, और ये जो लास्ट में है, ये मोती चूर लड्डू। मोती चूर लड्डू बोलते हैं, छोटे छोटे दानों के बनते हैं। अच्छा, सो ये दिवाली आने वाली है, कल मंगल को आएगी ना। हाँ बिल्कुल, इसमें इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक, मतलब दिवाली में ये ज्यादा यूज, दिवाली में ज्यादा लोग। तो ये कैसे देते हैं आप? ये 600। 600, ठीक हो। ये है माशाल्लाह केक। केक ये 150 का, बिल्कुल अंडे से तैयार करते हैं, बिल्कुल फ्रेश तैयार हुआ हुआ केक है, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं होती बिल्कुल। हम खुद भी यहाँ इस बेकरी से कई बार अपने लिए जो है पसंद से लोगे ना तो 200 का देगा बिल्कुल, हम ये 150 का दे रहे हैं। जबरदस्त, बड़ा देखो कितना जबरदस्त, और हैवी भी है, मतलब क्वालिटी है, और इसमें जो है प्रॉपरली ये लोग अंडे यूज करते हैं। और क्रीम रोल, चॉकलेट रोल। ठीक, चॉकलेट रोल। सही, लोग शहरों में जाते हैं, माशाल्लाह गुलशन शरीफ खुद तैयार कर रही है। ठीक, कारखाने के अंदर इधर ही कारखाना भी। ये पिस्ता रोल। पिस्ता रोल जबरदस्त। पिस्ता रोल, पिस्ता रोल, पिस्ता। ठीक, तो ये कैसे दे रहे हैं आप? ब्राउनी। ये बरौनी, बरौनी। ठीक हो गया। देखो ये कितने की दे रहे हैं आप? ये हम देते हैं 40 रुपए की, वैसे तो 70 का रेट है इसका इशारा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये असल चॉकलेट लगाते हैं। जबरदस्त। और इनके क्या रेट बताया आपने? इनके भी आप बता दें। 30 रुपए चॉकलेट रोल का। अच्छा, पिस्ता रोल का भी 40 का। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये ऊपर भी लगे हुए हैं, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट हैं। अच्छा, 100 रुपए वाला, कोई 60 वाला है, कोई 40 वाला है, 20 वाला, कोई कम कर देते हैं, मसला नहीं उसका। ठीक, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब आप शेप भी हैं, साइजेस में आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये पापे भी हैं हमारे स्पेशल। ठीक, इंशाल्लाह चीनी से तैयार। पापे जो है किस चीज़ से मतलब बनाए जाते हैं? मुझे चीनी के तैयार किए। लोग तो क्या क्या बना। ठीक हो गया, स्क्रीन के बना। अच्छा, इसके अलावा पापों के अलावा आपके पास ये जो बिस्किट्स वगैरह हैं? ठीक, बिस्कुट तो सारी वेराइटी है माशाल्लाह, खारे भी हैं, टाई खारे भी हैं, केक रस भी हैं माशाल्लाह स्पेशल, जीरे वाले बिस्कुट भी हैं। ठीक माशाल्लाह। तो ये बिस्किट वगैरह आप किस हिसाब से दे देते हैं? इनके क्या प्राइस? 520 है ना इसका, मतलब 560। 560 रुपये, 560 रुपये में क्या मतलब हिसाब आता है इसका? ये मिक्स डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, इसी तरह से हम मजीद आगे और बढ़ते हैं। माशाल्लाह टाई खा रहे, टाई खा रहे, टाई खा रहे। ठीक, और ये चीनी वाले खा रहे। ठीक, और ये तिल वाले खा रहे। जबरदस्त। और ये जीरे वाले खा रहे। देखो जीरे वाले खा रहे मिलेंगे, मतलब अलग अलग वैरायटी है खारों में भी, अलग अलग वैरायटी है। और इंशाल्लाह आपको दिल पसंद में जाना पड़ेगा, माशाल्लाह गुलशन शरीफ दिल पसंद। और ऊपर भी कुछ इसी तरह से पेटिस तैयार की आलू के, बिल्कुल आलू भी स्पेशल होता है, ये नहीं हल्का में। ठीक, चिकन पेटिस भी है, चिकन पेटिस, चिकन पेटिस वो भी तैयार होता है, चिकन पेटिस भी होता है मुर्गी का, 30 रुपए का, 30 रुपए में। फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त शॉप है, आप देख रहे हैं पूरी शॉप को हम वन बाय वन विजिट कर रहे हैं। ये देखें बाखर खानी, बाखर खानी भी है इनके पास अवेलेबल। इसे तैयार करते हैं, ये नहीं माजरे इसमें नहीं डालते, जो लोग बोलते हैं हमारा दिल खराब हो रहा है। अच्छा अच्छा, वो नहीं, सही से तैयार, घी से तैयार होती, घी से मतलब जायका होता है, ये भी बाखर खानी बोलो।
सही। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है फ्लेवर्स हैं और डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट साइजेस में है और बहुत अच्छे और कम प्राइजेस में आपको जो है यहाँ पे ये केक जो है अवेलेबल हैं। तो आप हॉक्सबे रोड जब भी आएँ तो आप यहाँ आके जो है इनका विज़िट कर सकते हैं और यहाँ से आके बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे दामों में, और बहुत ही फ्रेश जो है इनके पास सारा माल तैयार होता है। और हम ख़ुद भी यहाँ से वाकिफ़ हैं और बहुत दफ़ा हम यहाँ से अपने लिए, घर के लिए और मेहमानों के लिए मिठाई, केक्स वगैरह लेके जा चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ का जितना भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपको पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें, इस वक्त हमारे पास केक वगैरह भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ पेस्ट्रीज़ भी हैं और केक में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है इनके पास और डिफरेंट साइजेस हैं। सो हम पूछते हैं कि ये डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट जो फ्लेवर में केक हैं, ये कितने के हैं? सो अंकल ये कौन सा केक है? ये 900 रुपये का केक है, पाइनएप्पल केक, पाइनएप्पल वाइट में पाइनएप्पल केक है। और ये आपका स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी केक, ठीक है। सो अंकल ये कितने का है? ये भी 900 का है सर। 900 का है। सो इसमें ये साइजेस का थोड़ा डिफरेंस है या ये बिल्कुल सेम साइज? ऐसे तो लोग एक किलो का साहब बेचते, हम किलो का साहब नहीं बेचते, हमारा वजन पूरा होता है। ठीक हो, दो किलो का साहब। अच्छा, इसके अलावा ये बिल्कुल स्मॉल साइज है, ये इसका क्या प्राइस होंगे? इसके 500 रुपये, चॉकलेट में बनाते फुल। ठीक हो गया, 500 रुपये ये चॉकलेट एक पाउंड का केक है। इसके अलावा ये पेस्ट्रीज रखी हुई है, पाइनएप्पल, ये 40 रुपये की एक, 40 रुपये की एक है। इसके अलावा कुछ ये नीचे भी रखा हुआ है आपके आइटम्स हैं, क्या नाम इसको बोलते भाई? हाँ, कोकोनट बिस्किट, कोकोनट ये मैंने बचपन में बहुत शौक से खाया है, ये मुझे बहुत पसंद थे उस वक्त मैं खाया करता था, लेकिन अब मीठे से थोड़ा ये कि परहेज करते हैं दादा, पुराने लोग बहुत खाते थे। हाँ लोग मीठा कम खाता हूँ। हाँ बिल्कुल, साथ इनके कस्टमर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का जो उनका रिव्यू है वो कैसा है और यहाँ इनको आके रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बताएं कि आप यहाँ जब भी आते हैं तो आपको किस तरह का रिस्पांस मिलता है देखने को, और आपको फ्रेशनेस के हवाले से बताएं और साफ़ सफाई किस तरह से आपको सब लगता है? सर इनका स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है और यहाँ बिल्कुल फ्रेश चीज़ें दी जाती हैं। हम जब भी आते हैं स्टाफ की तरफ से बड़ा अच्छा बिहेवियर हमें मिलता है। दूसरा, सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है, इसलिए यहाँ की हाइजेनिक चीज़ें हैं ये जो बेचते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो दिल मुतमईन होता है। बाहर की बनिस्बत यहाँ बड़ा साफ़ सफाई से काम होता है। और हमारे इलाके के अंदर हॉक्सबे रोड पे जो है एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की बेकरी है, ये गुलशन शीरी जो है वो यहाँ है और काफ़ी मशहूर है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशहूर है और हमारी यही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इसको और ऊपर तक लेके जाए। और यहाँ जो प्राइसेस का बताइए कि हर प्राइस आपको कैसे, कम से कम पैसों में अच्छी चीज़ आपको खाने में मिलेगी, डिस्काउंटेबल रेट है, इनका स्टाफ बड़ा कोऑपरेट करने वाला है, सफाई का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है। और हम तो सबको यही सजेस्ट करेंगे कि आप गुलशन शीरी आएँ, आपके अपने इलाके में परेशानी की भी ट्राई की है, दिल पसंद की भी ट्राई करिए जगह जगह की, लेकिन यहाँ का टेस्ट टू मच है, आउट क्लास। तो फ्रेंड अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ के मेन्यू की। तो ये देखें, ये यहाँ का मेन्यू है, ये प्रॉपरली इसमें जो है मिठाई के रेट लिखे हुए हैं और जो भी इनके यहाँ पे जो पूरा प्रॉपर जो मेन्यू इनका जो आपको डिस्प्ले में लगा हुआ नज़र आ रहा है उसके हवाले से जो है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा हम चलते हैं आगे मज़ीद और चीज़ों की तरफ। तो ये देखें, ये इनके पास बर्थडे का भी कुछ प्रॉपर सेटअप है, जैसे कि अगर आप बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कोई कैंडल्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इधर से परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आगे चलते हैं तो आपको और भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, इस साइड पे भी बर्थडे के बहुत से जो हैं आपको जो डेकोरेशन जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें जो है आपको काफ़ी कुछ यहाँ सामान देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ कैंडल्स हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, इसके अलावा जो है ये जो हम अक्सर फोड़ते हैं जब बिल्कुल बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो अचानक से जो है वो एकदम से ब्लास्ट होता है, उसमें से काफ़ी सारी जो है वो डिस्को वगैरह बाहर आती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके अलावा कैब्स हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर आपको बर्थडे का भी जो प्रॉपर सेटअप है वो मिल जाएगा, आप यहाँ आ सके परचेज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है आपके पास जूसेस भी हैं, आप जूसेस ले सकते हैं और बिस्किट्स वगैरह भी हैं, हर तरह के बिस्किट्स हैं, कंपनीज़ के बिस्किट हैं। और इसके अलावा इनके जो खुद के जो खुद होम इनके जो मेकिंग जो खुद के बिस्किट हैं आप वो भी ले सकते हैं, आपको मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। और साथ ही साथ हम आगे बढ़ें तो देखें, इसके अलावा इनके पास जो है चिप्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, और चिप्स में भी इनके पास जो है सादे में भी हैं, स्पाइसेस भी हैं, और इसके अलावा ये सब फ्रेश है, इसमें नो डाउट ये सब फ्रेश है। आप कभी भी किसी चिप्स को अगर देखना चाहते हैं कि वो फ्रेश है या फ्रेश नहीं है तो जब आप उसे तोड़ के देखेंगे तो उसी वक्त आपको उसकी फ्रेशनेस का जो है अंदाज़ा हो जाएगा। और ये जब मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये मुझे वैसे ही
बहुत कड़क लग रहे हैं, हाथ लगाने से ही पता लग जाता है कि ये चिप्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं। आप कभी भी किसी जगह चिप्स लेने जाएं तो ये ख़ास एक चीज़ का ध्यान रखें कि चिप्स तभी आपको फ्रेश नज़र आएंगे जब आप मुंह में डालें तो वो एकदम से नरम ना पड़ जाए, उसका क्रिस्पीनेस जो है वो वैसे ही रहे बरकरार। और साथ साथ में देखें इनके पास निम्को का भी पूरा सेटअप है, और निम्को में जो है इनके पास हर तरह की वैरायटी है जिसमें हाँ बिल्कुल। अंकल आप मुझे अपने थोड़े से निम्को के और चिप्स वगैरह के भी प्राइसेस बता दें कि आपके क्या प्राइसेस हैं इनके, आप क्या दे रहे हैं? 600 रुपए किलो ना। और अच्छा वैसे अगर ये जैसे छोटे पैकेट्स लेने हो तो ये 60 रुपए का एक है। अच्छा, और ये पापड़ी भी है, और ये मूंगफली है स्पाइस वाली, मसाले वाली फली, ये कितने में दे रहे हैं आप? 60 रुपए का। 60 रुपए में, मतलब आप 60 रुपए में आप पैकेट ले सकते हैं आप निम्को लेना चाहें। और इसके अलावा अंकल ये चिप्स वगैरह का आपका लगा हुआ है ये कितने का है चिप्स? ये 60 रुपए में आपको जो है यहाँ पे चिप्स वगैरह भी मिल जाएंगे, आप चिप्स चिप्स भी ले सकते हैं। ठीक है, आप स्पाइसेस में लें या आप सादे में लें तो आपको 60 रुपए में चिप्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ऊपर भी डिस्प्ले में बहुत कुछ लगा हुआ है, आप ये भी ले सकते हैं। और इसके अलावा इनके पास जो है यहाँ पे जैम भी है, शहद है, मिल्क पैक्स हैं, अचार है, और इसके अलावा इनके पास ये डब्बों में जो है ये हलवा दस्तयाब है। आप डब्बों की सूरत में लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके आई थिंक प्राइस जो है वो 300 लिखे हुए हैं यहाँ पे, सो प्राइस भी मेंशन है। सो इसके अलावा साथ साथ आपको उस साइड पे भी लेके चलते हैं, उस तरफ कोल्ड ब्रेवरेजेस भी हैं। और तो अंकल ये मुझे आप बताएँ कि आपके जो पिज़्ज़ा के प्राइसेस हैं वो क्या हैं और क्या दे रहे हैं? 180 का, 100 वाला, ठीक है, 60 वाला, ठीक, 120 वाला, 120 वाला, बस ठीक हो गया। सो पिज़्ज़ा अगर किसी ने बड़ा ऑर्डर करना हो तो आप बड़ा भी बना के दे देंगे, 8 रुपए बनते हैं पिज़्ज़े। ज़बरदस्त। तो ये पिज़्ज़ा में आपके पास फ्लेवर्स भी अलग अलग जैसे कि बनाने हो, जैसे चीज़ी ज़्यादा करना हो या स्पाइस ज़्यादा करनी हो, ज़्यादा मसाले वाला, सब बोलो ऐसा बना देंगे, चीज़ वाला बोलो, सादा बोलो, ठीक हो गया। मज़ीद आगे वीडियो को इसी तरह से बढ़ाते हैं और आपको दूसरी साइड पे लेके चलते हैं, वहाँ पे इनके कोल्ड ब्रेवरेजेस हैं जिसमें इनके पास बहुत कुछ है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, इस साइड पे अगर हम इस पोर्शन में आते हैं तो इस पोर्शन में आपको जलेबी और बूंदी, इसके अलावा नमक पारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो हम भाई से पूछते हैं कि ये क्या रेट दे रहे हैं इसका? बूंदी नमक पारे का रेट जो है, जलेबी का रेट है वो 320 रुपये किलो है, 80 रुपये का पाव है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने ऑर्डर देना है इसका, इसलिए पड़ा हुआ है ये माल। अच्छा, ये जो भी माल आपका रखा हुआ है ये सारा ऑर्डर का रखा हुआ है? ऑर्डर का भी पैक करके देंगे। ज़बरदस्त, मतलब ये सारा ऑर्डर में चला जाएगा अभी। ठीक, तो इसके अलावा आपके पास समोसे और रोल इस तरह की चीज़ें जो है, पकोड़े वगैरह, वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे तो वो सुबह के टाइम इंशाल्लाह ताज़ा बनाते हैं। ताज़ा मतलब आप लोग ताज़ा बनाते हैं, मतलब फ्रेश बना के उसी वक्त हाथ के हाथ निकल जाते हैं, मतलब आप लोग ठंडा नहीं किसी को ज़्यादा? जी जी, गर्म बनाते हैं ना हम लोग, ताज़ा बना के। ठीक हो गया, तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे हर चीज़ जो है वो फ्रेश बनाई जाती है और फ्रेश जो है लोगों तक पहुँचाई जाती है। और इसमें जो है ये लोग कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी को जो है अनफ्रेश जो है वो चीज़ें दे रहे हैं, फ्रेश नहीं है। और यहाँ पे समोसे रोल वगैरह जो भी आपने लेना हो वो आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखें कि यहाँ पर जो है रसमलाई रखी हुई है, ये 150 रुपये में जो है आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास ये मिल्क जो है एक बॉटल में आपको नज़र आ रहा है, ये 100 रुपीज़ का एक है ना। ठीक है, सो इसके अलावा देखें आप कोल्ड ब्रेवरेजेस में आपको डिफरेंट चीज़ें जो है नज़र आएंगी, जिसमें आपके पास पेप्सी है, जूस है, इसके साथ साथ आपके पास जो है डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स हैं। और आप देखें कि यहाँ पे हर तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स इस तरह से देखें ये पूरा हॉट कोल्ड ब्रेवरेजेस में, फ्रेंड्स कोल्ड ब्रेवरेजेस में इनके पास काफ़ी कुछ चीज़ें जो है दस्तयाब हैं। आप आके यहाँ से अगर आप पिकनिक पॉइंट के लिए जा रहे हैं हॉक्स बे पर, तो यहाँ से आपको हर तरह की चीज़ अवेलेबल मिलेगी। अक्सर लोगों का ये होता है कि पता नहीं बेकरी शॉप है तो यहाँ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, सो ये जो है गलत है। आपको बेकरी शॉप पर यहाँ हर तरह की चीज़ मिलेगी। बर्थडे से रिलेटेड आप कुछ लेना चाहते हैं तो आपको बर्थडे से रिलेटेड भी मिल जाएगा, केक्स वगैरह है, डेकोरेशन का सामान है। तो फ्रेंड्स ये पूरी शॉप का व्यू है, आप पूरी शॉप देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और बहुत साफ़ सफाई है इस शॉप में। और जो है बहुत ही आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपको शॉप प्रॉपर्ली दिखाई जा रही है, इनका मैंने आपको प्रॉपर्ली मेन्यू भी शो कर दिया। इसके अलावा मिठाइयों के रेट्स वगैरह और बेकरी आइटम्स, केक वगैरह, बिस्किट्स और केक, एवरीथिंग जो है आपको बताने का इस वीडियो में मकसद ये था कि आप जब भी हॉक्सवे रोड पर आएँ तो आप यहाँ आके हर एक चीज़ परचेज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत ही फ्रेश चीज़ें जो है आपको यहाँ जो है प्रोवाइड होंगी। सो आप यहाँ आएँ और यहाँ विज़िट करें। तो फ्रेंड्स मुझे कहा गया है कि आप मिठाई टेस्ट करके बताएं, आपने अभी तक कोई भी जो है मिठाई टेस्ट नहीं की और आपने किसी भी चीज़ को जो है टेस्ट करके नहीं बताया कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो मेरी एक ही मिठाई फेवरेट है, मैं सिर्फ वो लेना चाहूँगा और वो टेस्ट करके पता लग जाएगा कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो ये दिखाइएगा आप,
बाशानी। तो बाशानी आप दिखाएं इसको टेस्ट करके, देखते हैं कि इनका जो फ्लेवर का टेस्ट है, मतलब जो इनका टेस्ट आ रहा है मिठाई का वो कैसा आ रहा है, वो आपको खा के बताते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई मिलावट है, और ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है इस वक्त खाने में। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, आप यहाँ आएँ, आप खाएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्रामेज हर चीज़ की बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कुछ भी ज़्यादा या ऐसा कम नहीं है, हर चीज़ बराबर है। मीठा भी बिल्कुल नॉर्मल है, ओवर मीठा नहीं है या बहुत ज़्यादा जो है हैवी नहीं लग रहा खाने में, या बहुत ज़्यादा मिलावट नहीं लग रही, हर एक चीज़ प्रॉपर है। मेरा रिव्यू भी बहुत अच्छा है इस पूरी शॉप के लिए, और मैं इससे पहले यहाँ से बहुत सी जो है चीज़ें जो है ख़रीद के जा चुका हूँ और हम टेस्ट कर चुके हैं, तो अभी भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे जो इनके कस्टमर आते हैं, हम उनसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ का इनको जो प्रॉपर जो आइटम्स हैं वो किस तरह लगते हैं, जो बेकरी आइटम है सब उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको किस तरह लगता है यहाँ का जो बेकरी आइटम्स है वो आपको किस तरह से लगते हैं, मतलब अच्छे हैं खाने में, और प्राइजेस वगैरह के हवाले से बताएँ? प्राइजेस के हिसाब से कि ये है कि जी बिल्कुल नॉर्मल प्राइजेस हैं और अच्छे प्राइजेस होते हैं इनके, और मैं अक्सर जब यहाँ से जाता हूँ तो यहीं से अपने बच्चों का सुबह स्कूल्स के ब्रेड्स बटर्स वगैरह यहीं से लेता हूँ, और तमाम चीज़ें इनकी एक्यूरेट है, हर चीज़ है, और सफाई सुथराई का बहुत अच्छा ख्याल है, तो माशाल्लाह से अच्छी क्वालिटी से। तो फ्रेंड्स, शॉप का जो है व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, और इनके एक और कस्टमर यहाँ खड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और ये क्या कमेंट्स देते हैं इस बेकरी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तो आप मुझे बताएं कि आप यहाँ कितने टाइम से आप यहाँ से जो है परचेज़ कर रहे हैं बेकरी आइटम, और आपको यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं जितने भी ये सारे बेकरी आइटम हैं ये किस तरह लगते हैं, और खाने में आपको टेस्ट कैसा है, और प्राइजेस क्या हैं आप बता सकते हैं? सर, यहाँ पे मेरे को आते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल हो गए जी, यहाँ की मेरी पैदाइश है, यहाँ पर मैं 6-7 साल से आ रहा हूँ लगातार। यहाँ का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा है, और जो प्राइस है वो बहुत कम है। अभी आप देख सकते हैं कि ये 1 पाउंड का केक है, ठीक, ये 450 रुपये का, लेकिन इसका टेस्ट उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे हम। ज़बरदस्त। तो मतलब आप यहाँ से अभी केक परचेज़ करेंगे ये बर्थडे के लिए? आप जी जी, मेरे भाई की बर्थडे में उसके लिए परचेज़ करने आया हूँ, लेकिन इसके प्राइस बहुत कम है। प्राइस कम है और टेस्ट खाने में कैसे? बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। मतलब आप यहाँ से क्या क्या लेके जाते हैं? समोसे, यहाँ से समोसे, रोल, ब्राउनी हो गया, भाई का लंच हो गया, सब लेके जाता हूँ। सबका टेस्ट माशाल्लाह अच्छा है, क्यों, इनके सारे जो अपने बनाने वाले सारे अपने अपनी नज़रों के सामने यहीं बनता है, और बिल्कुल ज़बरदस्त। तो फ्रेंड, जायका बहुत ही अच्छा है यहाँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि यहाँ पे हमने एक और जो है इनके कस्टमर से जानने की कोशिश की, तो उनका भी वो जो है पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए। सो चलते हैं आगे मज़ीद और वीडियो की तरफ। कस्टमर्स का भी यही कहना है, जितने भी यहाँ पे इनके कस्टमर्स आते हैं, कि यहाँ पे फ्रेशनेस है इनके जितने भी बेकरी आइटम हैं उन सब में, और डिस्काउंट भी है, और बहुत ही ज़बरदस्त है, और हर तरह की चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम अंकल को जो है अलविदा कहते हैं, और हम यहाँ से जो है पूरी जो है इजाज़त से जाते हैं अंकल से। सो अंकल, हमें इजाज़त दें कि हम जो यहाँ आपके विज़िट के लिए आए थे, तो इंशाल्लाह आई होप कि हम नेक्स्ट टाइम जब आएँ आपके पास तो और मज़ीद जो है खुशी से आएँ कि आप बेहतरी आएगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ जितने भी इनके आने वाले कस्टमर हैं, हमने उनसे भी प्रॉपर जानने की कोशिश की कि उनके जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और वो इस शॉप को लेकर जो है उनके ख्यालात क्या हैं, और वो क्या सोचते हैं। सो सब ने आपसे बिल्कुल यही कहा कि शॉप का जो है प्रॉपरली जो है सेटअप बहुत अच्छा है, और इनका टेस्ट और इनके जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको जो है यहाँ का प्रॉपरली अवेयरनेस हो कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और क्या क्या चीज़ें जो है आप यहाँ ले सकते हैं, और किन प्राइजेज में आपको जो है ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको किस तरह की और तमाम वीडियोज़ चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करें और बहुत सारा प्यार दें इस ब्लॉगिंग चैनल के ज़रिए, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए नई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस लाता रहूं और आपको दिखाता रहूं, और मुझे आपको जो है बहुत ढेर सारा सपोर्ट करें। सो मेरे चैनल को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।